बहिष्कार करो, नहीं चलेगी। रेलू को समर्थन करना बंद करो, बंद करो, रेलू को समर्थन करना बंद करो, बंद करो, आतंकवादी गतिविधि नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। महाराष्ट्र का जो आतंकवादी को जाके साथ देकर वहाँ पर हिम्मत बढ़ाया, जो इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो कि भारत के दस टुकड़े होंगे। नमस्कार, न्यूज 111 में आपका स्वागत है, मैं हूँ पूजा वर्मा। फिल्म छपाक को लेकर के पटना में भाजपा कार्यकर्ताओं ने थिएटर के बाहर छपाक फिल्म का विरोध किया है और दीपिका पादुकोण के पोस्टर पर कालिक पोत कर पोस्टर जलाया है। आपको बता दें कि फिल्म को लेकर के उन्होंने नारेबाजी भी की उनके खिलाफ और कारगिल चौक स्थित मोना सिनेमा हॉल के बाहर कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। बता दें कि जब से दीपिका जेएनयू गई हैं उसके बाद से कई पार्टी इसका विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग इसको लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं और फिल्म को बायकॉट करने की बात भी कह रहे थे, जिसके बाद से आज कल फिल्म रिलीज हुई है तमाम सिनेमाघरों में, लेकिन कल सारे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की नज़र थी और किसी भी तरीके का बवाल नहीं हो पाया था, विफल कर दिया गया था। लेकिन आज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इसको लेकर के दीपिका पादुकोण का पोस्टर जलाया है और अपना विरोध प्रदर्शन जताया है। आपको बता दें कि फिल्म कल रिलीज हुई और काफी लोगों ने इसको सपोर्ट भी किया और लोग देखने भी गए, लेकिन वहीं कुछ लोगों ने इसका विरोध जताते हुए फिल्म को बॉयकॉट कर दिया है और साफ तौर पर इसको देखने से मना कर दिया है। हालांकि जिस तरीके से लगातार इसको लेकर के सियासत जारी है, कहीं कभी पार्टियां इसको सपोर्ट कर रही हैं और कहीं कोई पार्टी इसका विरोध जता रही है। बीजेपी की बात कर ले तो बीजेपी में स्मृति ईरानी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने इसका बायकॉट किया था, उन्होंने दीपिका पादुकोण पर तंज कसने की कोशिश की थी। वहीं साक्षी महाराज जो हैं उन्होंने भी बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि दीपिका पादुकोण भूल से जेएनयू पहुंच गई थी। लगातार दीपिका को लेकर के सियासत जारी है, लेकिन जो फिल्म की बात कर ले, फिल्म एक सोशल मैसेज देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लोगों ने जब से दीपिका जेएनयू पहुंची है उसका तमाम विरोध जता रहे हैं और कई संगठन कई पार्टियां इसको लेकर के लगातार दीपिका के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं और फिल्म को बॉयकॉट करने को लेकर के लगातार प्रदर्शन जता रहे हैं। महाराष्ट्र का जो आतंकवादी को जाके साथ देकर वहाँ पर हिम्मत बढ़ाया, जो इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो कि भारत के दस टुकड़े होंगे उनके जाके समर्थन में बात करते हैं, उसका रैली में प्रदर्शन में जाके सपोर्ट करके उसका हिम्मत बढ़ाते हैं। हम चाहते हैं भारत के जनता से कि इसका पिक्चर के पूरा भारत में विरोध हो, आप इसका भड़कास करें पिक्चर का। आज हम लोग विरोध किए हैं पोस्टर जला के पटना के कारगिल चौक पर, जो मोना सिनेमा में पिक्चर लगा हुआ है, हम विरोध कर रहे हैं इसका पिक्चर के भड़कास किया जाए। न्यूज़ 111 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।